बस आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, आखिर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर ही क्यों बनना चाहते हो? मुझे नहीं पता कि ट्यूबवेल ऑपरेटर बनने का ख्याल और विचार आपके अंदर आया कहाँ से। बहुत सारी अच्छी अच्छी नौकरियां होने के बावजूद सवाल ये उठता है कि आखिर ट्यूबवेल ऑपरेटर ही क्यों? कहीं आप भी तो उन विद्यार्थियों में से नहीं हैं जो तीर का तुक्का लगाने पर भरोसा विश्वास करते हैं? मेरे दोस्त, तीर व तुक्का का जमाना नहीं रहा। आज केवल 20% स्टूडेंट गोल, लक्ष्य, टारगेट को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं। बाकी 80% का तो यही हाल है, एक ग्रेड में आने वाली बहुत सारी नौकरियों की तैयारी एक साथ करते हैं। नतीजा सामने, मामूली अंतर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आज समय की यही मांग है, चाहे चपरासी हो या आईएएस, दोनों के लिए विशेष तैयारी की जरूरत है। अगर आपने ट्यूबवेल ऑपरेटर बनने का अंतिम निर्णय ले ही लिया है तो मैं आपके साथ हूँ। एक लड़का 3 सालों से लगातार इसी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहा था, पर अब तक उसे असफलता, मायूसी व नाकामी ही हाथ लगी थी। अब क्या करूं ये सोचकर थका हारा चला जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि कुछ मजदूर एक जगह ट्यूबवेल की बोरिंग कर रहे हैं। वह वहीं रुक गया। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की गति से कौंधा। अब तक तो पानी का कहीं आता पता नहीं है, फिर भी ये लोग जी जान लगाकर पूरी ताकत से बोरिंग क्यों कर रहे हैं? मीनिंग बाय दिस, शायद इनका प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक पानी ना निकल जाए। उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारना शुरू किया। देख, उन बोरिंग करने वाले मजदूरों को देख, जो उस समय तक जिद्दोजहद और ताकत लगाने पे आमादा हैं जब तक पानी ना निकल जाए, और एक तू है जो 3 प्रयास में ही हार मान लिया। तेरा तो अब कुछ होने वाला नहीं है। ठीक उसी पल उसने अपने आप से वादा किया। अब वैसी पल मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि जब तक ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, जुटा रहूँगा, डटा रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा, आगे बढ़ूँगा। ऐसा सोचते ही उसकी नस नस में नई ऊर्जा व शक्ति का संचार हो चुका था। मुझे उम्मीद है इस घटना ने आपके जीवन को एक नई संजीवनी से भर दिया होगा, और इसी पल आप इस पोस्ट के लिए पूरी तरह कमर कस के तैयार हो गए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और फटाफट दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आपके बाकी दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें।